देखो बेटा, A1 ये रिजल्ट है, आपको मैं बता देता हूँ रिजल्ट क्या है कि A1, A2, A3 से लेकर A10 ये AP में है, और H1, H2, H3 से लेकर H10 ये है HP में। फर्स्ट टर्म दोनों के 2-2 हैं, लास्ट टर्म दोनों के 3 सेम है। तो बेटा रिजल्ट ये होता है कि यदि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम है AP और HP के, और सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, सेकंड सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट, थर्ड थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट का प्रोडक्ट, इसका वैल्यू सेम होती है A10 इंटू H1। फर्स्ट रिजल्ट ये है। सेकंड रिजल्ट ये है कि कोई भी अर्थमेटिक, कोई भी नंबर अर्थमेटिक मीन और AB मतलब 2 इंटू 3, 6/H1, ये A+B के बराबर होता है, दैट इज 5 के बराबर। इसी तरह से A2+6/H2 ये हो जाएगा 5 के बराबर, इस सब के सब बराबर होंगे। A10+6/H10 ये हो जाएगा 5 के बराबर, ये सब के सभी वैल्यू 5 के, तो हमारा आंसर है 5।